नमस्ते दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे WhatsApp Plus के हिडन फीचर्स के पार्ट वन वाले वीडियो में WhatsApp Plus के कुछ फीचर्स के बारे में बात की थी, अगर आपने हमारा WhatsApp Plus हिडन फीचर्स पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी YouTube पे जाके ट्रिक फंड ट्यूटोरियल्स सर्च करके उसमें आप हमारा वीडियो WhatsApp Plus के हिडन फीचर्स पार्ट वन देख सकते हैं। और अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आपको देखने को मिल सके। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे आज के सेकंड वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्सएप प्लस के कई और हिडन फीचर्स। और सारे फीचर्स जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात की थी व्हाट्सएप प्लस के फीचर्स के बारे में, जिसमें हमने प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में बात की थी, आज हम थीम्स के बारे में बात करेंगे। हम व्हाट्सएप का वही थीम यूज कर करके सब कंटाल गए होंगे, तो व्हाट्सएप प्लस हमको एक मौका देता है जिसमें हम लोग अपने थीम चेंज कर सकते हैं। थीम चेंज करने के लिए हम थीम सेक्शन में जाके डाउनलोड थीम में जाएंगे, तो वहां पे हमको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे जो कि हम हमारे व्हाट्सएप की थीम में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये यो हैंग आउट डार्क सिलेक्ट करता हूँ, तो अप्लाई करने के लिए हम थीम के इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो अपने आप डाउनलोडिंग योर थीम और अपने आप थीम अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, हमारा थीम जो था पहले जो था वो अलग था और अब ये थीम चेंज हो गया है। उसमें दोस्तों और थीम्स के सेटिंग्स में और एक ऑप्शन आता है लोड थीम, यानी कि अगर हम कोई थीम ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं जो कि व्हाट्सएप प्लस में नहीं है, पर हम ऑनलाइन डाउनलोड करके व्हाट्सएप के फोल्डर में डाल के इसमें से लोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे व्हाट्सएप प्लस के फोल्डर में प्लस थीम्स में मेरा ये माई ओन करके थीम है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो जो मैंने थीम डाउनलोड किया था वो आ गया है। उसी तरह हम उसमें और देखेंगे कि थीम्स के फीचर्स में जो सेव थीम है, यानी कि कोई थीम आप अगर सेट करते हो उसको आपको सेव करके रखना है उसके सारे सेटिंग, तो आप सेव थीम पे कर सकते हैं, और रिस्टोर थीम करने पे आपका जो लास्ट थीम होगा वो आ जाएगा। अभी हम दोस्तों और एक बात करेंगे कि हम जब भी व्हाट्सएप प्लस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर्स है। उसमें से एक बहुत अच्छा फीचर्स है कि अगर हमें किसी का कन्वर्जेशन लॉक करना है, यानी कि हमको वो मेन स्क्रीन पे तो दिखना चाहिए पर उसका कन्वर्जेशन हमें लॉक करना है, तो उसके अंदर जाके हमको सिलेक्ट करना है थ्री स्टार्स क्लिक कर लॉक कन्वर्जेशन हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है हमको पैटर्न पिन या फिंगरप्रिंट पूछेगा। मैं अभी फिंगरप्रिंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि हमारा व्हाट्सएप प्लस का जो चैट है वो लॉक हो जाएगा। अभी जब भी हम वो चैट खोलने जाएंगे तो हमको हमारा पहले फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, तभी हम वो चैट खोल पाएंगे। उसी तरह अगर हमें ये चैट स्क्रीन को अपने स्क्रीन पे नहीं रखना है और हिडन करना है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और इधर से जाके हाइड चैट कर देंगे। अभी हाइड चैट करने के बाद हमारा फिंगरप्रिंट या तो पैटर्न जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। अब मैंने फिंगरप्रिंट रखा है तो फिंगरप्रिंट मांग रहा है। जैसे ही हम फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अपना हिडन चैट में चला जाएगा। अगर अपने को हिडन चैट वो खोलना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारा जो ऊपर नाम लिखा है व्हाट्सएप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारा फिंगरप्रिंट मांगेगा। उस पर क्लिक करने से हमारे जो भी हिडन चैट्स हैं वो सब हमें दिख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस सेटिंग में जाके हमें यूनिवर्सल में जाना है। यूनिवर्सल में बहुत सारे ऑप्शन है कलर्स के, जैसे यूनिवर्सल कलर है, यूनिवर्सल एक्शन बार है, टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर, स्टेटस बार कलर, नेविगेशन बार कलर, जो भी हमें कलर चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है स्टाइल लुक फॉर लॉन्चर आइकॉन। लॉन्चर आइकॉन में हम जो भी आइकॉन सिलेक्ट करेंगे वो हमारा होम स्क्रीन पे वो आइकॉन वो कलर का हो जाएगा। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन आइकॉन, यानी कि हमारे जो नोटिफिकेशन आता है ऊपर उसमें हमें कौन से कलर का आइकॉन डिस्प्ले करना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट स्टाइल, हमारे जो अंदर हैंडराइटिंग फॉन्ट्स है उसमें से हमें कोई भी चेंज करना है तो हम वो फॉन्ट साइज सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव इमोजी वेरिएंट्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के इमोजीज के लिए वेरिएंट है, और हमें अब अगर नए डिजाइन के इमोजीज नहीं यूज करने, ओल्ड ही यूज करने हैं तो हम ये ऑप्शन चालू करेंगे तो हम ओल्ड इमोजीज यूज कर सकते हैं। देन ऑप्शन है हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, यानी कि हम जो फोटोज वीडियोज या जीआईएफ जो भी डाउनलोड करते हैं
अगर हम यहाँ से ऑप्शन ऑन कर देंगे तो वो हमें गैलरी में नहीं दिखेंगे। जैसे अगर मैं फोटोज ऑन करता हूँ तो जितने भी फोटोज मैंने व्हाट्सएप प्लस में से डाउनलोड किए होंगे वो मुझे गैलरी में नहीं दिखेंगे। फिर आता है बैकअप एंड रिस्टोर। यहाँ बैकअप एंड रिस्टोर में हम व्हाट्सएप डेटा करेंगे जो हम हमारे वो लोकल एसडी कार्ड पे उसका बैकअप जाता है, तो इस पर क्लिक करने से हम अपना लोकल बैकअप ले सकते हैं और इधर से रिस्टोर भी कर सकते हैं। और अगर हमने चैट बैकअप लिया हुआ इधर दिखा रहा है 438 MB, उसको क्लियर करना है तो हम क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप बैकअप क्लियर भी हो सकता है। और लास्ट में जो है वो एक सेटिंग है, उसमें आप ऐप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जेशन कार्ड्स, यानी कि हम अपने चैट्स को कन्वर्जेशन कार्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर डिसेबल हेड अप नोटिफिकेशन, ये स्पेशली लॉलीपॉप डिवाइसेस के लिए है, जिस डिजाइन में लॉलीपॉप है उसमें आप बंद कर सकते हैं। डिसेबल बैच काउंटर, जो होम स्क्रीन पे हमारा बैच काउंटर आता है उसको हम डिसेबल कर सकते हैं। फिर डिसेबल ऑटो प्लेइंग नोटिफिकेशन, यानी कि हम जब भी ऑडियो प्ले करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन हमको ऑडियो का ऊपर दिखता है वो हम बंद कर सकते हैं। स्वाइप टू एग्जिट कन्वर्जेशन, यानी कि हम ऐसे जैसे स्वाइप करते हैं और कन्वर्जेशन एग्जिट हो जाता है वो ऑप्शन हम भी हम बंद कर सकते हैं। एनेबल ऑलवेज ऑनलाइन, ये सिलेक्ट करने से आपके जो भी व्हाट्सएप के फ्रेंड्स है उनको आप सब में ऑनलाइन ही दिखोगे। और यहाँ पे है टेनर गिफी GIF प्रोवाइडर, यहाँ पे हमको GIF जो इनबिल्ट प्रोवाइडर हो रहे हैं उसमें दो कंपनीज है, टेनर और गिफी। हमको जो सिलेक्ट करेंगे, अगर ऑफ है तो टेनर के GIF मिलेंगे, ऑन करेंगे तो गिफी के मिलेंगे। और हम यहाँ से क्लियर व्हाट्सएप लॉक्स भी कर सकते हैं। और एक बेहतरीन फीचर्स व्हाट्सएप प्लस जो हमें देता है कि अगर हम अपने सिंपल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो उसमें हम जब फोटो सेंड करते हैं तो उसकी क्लियरिटी लो हो जाती है, पर इसमें अभी हम फोटो सेंड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है 6 MB तक सिलेक्ट करने का, यानी कि हम फुल रिजोल्यूशन फोटो भी सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे है डिसेबल शेयर लिमिट, इस पे क्लिक करने से अगर हम ये ऑन करते हैं तो हम 10 से ज्यादा फोटो एक साथ सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले फीचर्स देखने के लिए हमारा नए वीडियो यानी कि व्हाट्सएप हिडन फीचर्स Part 3 के लिए इंतजार कीजिएगा। और अगर हमें हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।